हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आई थिंक एज अ सीए स्टूडेंट सबको आना चाहिए और आर्टिकल्स को भी आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी वर्थ इट है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है और वो हमेशा सप्लायर के ऊपर ही लायबल होता है जो गुड्स एंड सर्विस में डील करते हैं, और जो रिसिपेंट होते हैं या फिर जो बेनिफिशियरी होता है उसको वो पे नहीं करना होता है। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसका अपोजिट होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ऐसे स्पेशल गुड्स एंड सर्विसेज है जिन्हें एक पर्सन बाय कर रहा है या फिर उनकी सर्विसेज का बेनिफिट ले रहा है, तो जो भी टैक्स उनके उन सर्विस और गुड्स पर बन रहा होगा वो उस रिसिपेंट को गवर्नमेंट को पे करना होगा। जो स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहां से उन्हें चेक कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात है, दो टाइप के रिवर्स चार्ज होते हैं। सबसे पहला जो रिवर्स चार्ज होता है वो आता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जिसमें नेचर ऑफ सप्लायर और नेचर ऑफ सप्लायर को एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड टाइप ऑफ रिवर्स चार्ज आता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जिसमें कवर किया गया है टैक्सेबल सप्लाइज बाय एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो जिस जिस पर्सन को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्रीकल्चरिस्ट है जो रॉ कॉटन बेचती है और वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, और जो उनकी बायर है क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है और वो डायरेक्टली एग्रीकल्चरिस्ट से रॉ कॉटन खरीदती है और वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में। और मैंने इस एग्जाम्पल में दोनों ही सिनेरियो को कवर कर लिया, नेचर ऑफ सप्लाई हो गया रॉ कॉटन और नेचर ऑफ सप्लायर हो गया एग्रीकल्चरिस्ट, टैक्सेबल सप्लाई हो गई रॉ कॉटन, अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो गई मिस राधिका जो कि सेलर है, और रजिस्टर्ड पर्सन हो गई मिस पूजा जो कि बाहर है। अब अगर मिस राधिका गुड्स बेच रहे हैं और मिस पूजा को बेच रहे हैं तो क्या वो ITC क्लेम कर सकती हैं? नहीं कर सकती। रिवर्स चार्ज के केस में सेलर को परमिशन नहीं होती ITC क्लेम करने की। पहली बात तो ये कि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, और दूसरी बात ये है कि वो कोई टैक्स नहीं पे कर रही जो उस पर ITC क्लेम करें। लेकिन रिसिपिएंट के केस में ITC क्लेम हो सकता है लेकिन ITC के थ्रू सेटल नहीं हो सकता रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी। जो रिवर्स चार्ज की पेमेंट है वो रिसिपेंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से करेगा। जीएसटी में ऐसे तीन लेजर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। तो बेसिकली ये एक तरीके का ई वॉलेट होता है जीएसटी पोर्टल पे, जिसमें आप जितने भी गवर्नमेंट को पेमेंट्स हैं या रिफंड्स हैं वो क्लेम या फिर डेट कर सकते हो। तो ये उस चीज़ के लिए होता है। जो तो रिसिपेंट है वो अपना टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करेगा और नेक्स्ट मंथ में ITC क्लेम कर लेगा। अब मेन क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ सप्लाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हम ये देखते हैं कि कौन से मंथ में रिसिपेंट जीएसटी रिटर्न भरेगा और सब, और वो पता लगती है तीन क्राइटेरिया से, और उनमें से तीनों में से जोन सी भी डेट अर्ली होती है वाले मंथ में जीएसटी रिटर्न भरी जाएगी। सबसे पहले आती है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, रिसिपेंट को किस दिन गुड्स रिसीव हुए, डेट ऑफ पेमेंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, किस दिन सैलर को पेमेंट रिसीव हुई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सैलर ने किस दिन इशू किया इनवॉइस, उस डेट से 30 डेज काउंट किए जाते हैं। इन तीनों में से जो भी डेट अर्लीस्ट होती है उस वाले मंथ में RCM पे किया जाता है। तो सपोज करो रिसिपेंट को गुड्स 1 जुलाई को रिसीव हुए, उन्होंने पेमेंट करी 15 जुलाई को, और 15 जुलाई से लेकर 30 डेज अगर हम काउंट करें तो 15 अगस्त होता है, क्योंकि जुलाई में ऑलरेडी 31 डेज होते हैं। जो इनवॉइस इशू हुआ वो हुआ 15 अगस्त को, सो ऑब्वियसली बात है अर्लीस्ट डेट है 1 जुलाई, और जुलाई मंथ के रिटर्न में ही रिसिपेंट RCM पे करेगी। अगर बात करें सर्विसेज की तो इसमें भी दो क्राइटेरिया देखे जाते हैं, और इन दोनों डेट्स में से जो अर्ली डेट होती है उसी मंथ की जीएसटी रिटर्न में टैक्स पे किया जाता है रिसिपेंट के। तो सबसे पहला क्राइटेरिया वही है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे पेमेंट कब रिसीव हुई, और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने जो इनवॉइस इशू किया उससे 60 डेज काउंट किए जाते हैं, और उस इन दोनों में जो अर्लीस्ट डेट होगी उसमें हम टैक्स पे कर देंगे गवर्नमेंट को, और नेक्स्ट मंथ में ITC क्लेम कर दिया जाता है। ये बस एक कॉन्सेप्ट था, अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रही तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।